सो आप कैसा लग रहा बताओ? अभी ये थोड़े सूख गए, मैं गोल नहीं घूमूंगी, इनकी मुंडी गोल घूमेगी। इधर इधर देखो, ये पूरा बाल कलर हो गया। सही दिख रहा है क्या? अब अभी रिया से पूछते, रिया से पूछते, रिया से और छतरे में बैठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कितना चाहता है बोल तो कुछ। वो डर रहा है, मत करो मत करो, अभी तो अभी तक अरे अरे ऐसा अंदर से चला उसका मेरा भाई। करो करो भी तलाक देखने मिल रहा है, करो ना। देखो अभी वहां पर हम लोग चारों कलर तैयार है, ग्रीन ब्लू पर्पल एंड रेड। लेकिन ये किस तरीके से अप्लाई करने वाली है जीनत को मालूम है? इसको खुद को नहीं मालूम है, बस अप्लाई कर रही है। बने रही है वीडियो को, स्किप ना करें, आपको पता चलेगा क्योंकि ये सस्पेंस मेरे लिए भी है, मैं क्या करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड। ये देख बकरा, ये देख बकरा वाला। देखिए भाई क्या है, हेयरबिन का है वो रहा है, हेयरबिन बिना। सो यहाँ पर एक एक भाई की तरफ से भेंट है। बोले कैसे लगाएंगे? अभी एक भी बाल छोड़ना नहीं है, सब जो ब्लैक स्लैक सब पे कलर कर देना। हाँ कुछ छोड़ना नहीं भाई। हाँ ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक कलर कलरिंग हो रहा है मेरे सर सर पे। कैसा लगा तुम लोग बताना जरा यहाँ तक का सफर। अच्छा सुनो, अभी जीनत है ना, ये तरफ जो कलर लगाएंगे वही कलर में ये तरफ ऐसा लगाऊंगी, चलेगा ना तुमको? अरे तो बीच में से मांग निकाल, आधा भाभी तुम लोग आधा तू लगा जीना। तो बिना हटा ना वो हट यीशु पापू। नहीं नहीं लेकिन वो लगेगा क्योंकि ये हम लोग को दे रहा है ना। हाँ तो मैंने दिया इन लोगों, ये लोग परेशान थे कैसे करे कैसे करे, बोला देखो ये ऐसा लगा था तो यहाँ पर तुमको ये तो मतलब करने वालों की तो मैंने खाई नहीं, खाली क्रेडिट लिए। अच्छा खराब हुआ तो अपना मुंह छुपा दे इन लोग। तू काम करना ना दादा, बोल मेरी नानी का मतलब दे तो आधे में छोड़ के चले जाओगी। ऑयल पेंट भी लगा दे भाई, कड़क हो जाएगी बाल। उसके लिए अलग से शैम्पू लेकर आया हूँ मैंने, क्या बाद में कड़क हो जाएगा ना तो बाल नरम करने के लिए। शेयर मार्केटिंग में जैसा शेयर बिकता ना, इधर का तुम उठालो ना, एक तो लड़के के बाल भी कैसे कट कटे रहते हैं ना। क्या कर रही रे ये देखो ये इतना, अरे बाप रे बाप, ये भाई इतना नहीं होने वाला है तुम लोग से। ये जितना कर रहे ना तुम लोग, हम लोग तो हौसला ये लोग तोड़ते हैं, एक तो सबसे पहले मोटिवेट कर रहे हैं। कोशिश में कोशिश ही बोलेंगे भाई, ये अपना पार्लर डालने वाली रहता है। सुन कर दो ना तुम लोग, उसके बाद करो ना, डिवोर्स कर दो पहले मेरे को तुम लोग। देख चार बाल बचे इसमें से ना, तीन खींच के एक तोड़ी देगी मेरा व्यास। ओ निकाल, ओ तुम मेरे बाल में क्यों अपना बाल मिक्स हो जा रहा है? देखा मेरे बाल को भी लोग ने अपने बाल बना लिए। इन भाभी की लाइफ तो देख ले, भाभी ने डिवाइड किए ले, ये तुम लोग खेलो मत सीधा फटाफट करो। हां भाभी करने वाले, खाली वो पीनी घुसाए जा रहे, कुछ बाल तो निकालो बाहर खींच के। निकालियो ना, देख निकाल दूंगा मैं। हेयरबिन रियाज भाभी तू कैसे, हेयरबिन काम किया क्या? नहीं नहीं सर नहीं, रहने चल रहे हैं, करो रे जल्दी कुछ तो करो, थोड़े थोड़े बाल के लिए फॉइल लगा। चुप रहिए, फ्रेंड की चीज है, कुछ तो करो, मत करा फ्रेंड की, क्या घर बना रहे क्या, फ्रेंड की चीज है। एक काम करना, पूरी लाइन लगा दे, पूरी लाइन लाइन कर दे, जैसे आगे से कटी जाएगी ना। ले लो सही में वैसे, हां ले ले, चल सही में है ना, चल शुरू कर यहां से। नहीं भाई लगा नहीं, नहीं नहीं हेयरबिन पे तेरे बाल उड़ा के रहेगा बाबू। बोलेगा भाई पांच गुना पैसे लूंगा, आगे तो नहीं करूंगा। कौन सा कलर लगा रहे? मैं ग्रीन लगा रही हूँ। तो अलग अलग कलर लगा रहे तुम लोग? हाँ। भाभी तुम हरा? नहीं मैं ब्लू लगा रही हूँ। अच्छा जीना पर तू ब्लू, जीना ग्रीन मैं ब्लू, तो जो करना है। क्या लगा रही अभी ये? ये मैं ऐसे ऐसे कुछ तो लगा ली, ग्रीन कलर लगा रहे क्योंकि कलर मिक्स ना हो एक दूसरे में, जड़ में मिक्स हो जाएगा। ऊपर लगा के क्या मतलब? अभी उतना आता नहीं है बाबा वैसे। ए भाई मेरे को बेहोश करके लगाओ तुम लोग, जान जला रहे हो भाई तेरी भाभी का। जान जला रहे, पहले पूरी तेरे को बोले हम लोग कर देंगे, हम लोग कर देंगे,
भाभी को भी दिया भाभी तुम लोग वापस रख रहे नहीं कलर का उसपे? हाँ तो उसके नीचे ही है ना जिसका जो कलर। हाँ फिर बाद में तुम लोग भूल भी जाएंगे और शॉर्ट करेंगे देखना। तो अभी लोग पोपट हो गया है सबके बॉक्स के अंदर ना वापस वो दिया हुआ था जो मैंने अलग से लेकर आया आज लोग कलर समझ के वापस से ब्लॉन्ड कर दिए। एक एक बाल आधा घंटा पीछे हम लोग ने छोड़ दिया हम लोग का आधा घंटा वेस्ट हुआ पीछे देखो डार्क डार्क दिख रहा है बनाने में भी टाइम और सामने फ्रंट हो गया बिचारी बहुत मेहनत लगी फ्रंट में एकदम लाइट हो गया था हो गया। हाँ हम लोग ना कब से वेट कर रहे हैं अबे एक भी बाल लाल नहीं हुआ एक भी बाल ग्रीन नहीं हुआ एक भी बाल ब्लू नहीं हुआ ये कैसे हो सकता है भैया बोलते ये क्रीम होते जा रहा है ये क्रीम क्यों होते जा रहा है। पोपट आधे घंटे कलर है ना ये एक्चुअल कलर है अभी मैं ड्राई करता हूँ वापस से है ड्राई करो हम लोग जब तक एक्चुअल कलर लगाएंगे होता है यार कुछ चीजें करने के लिए ना बड़ी बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती है। फेलियर फेलियर से ही सक्सेस मिलती है। ऐसे नरिता खुद को सहानुभूति देने के लिए अच्छी लाइन। अरे ये तो पर्पल दिख रहा है इसको ये रखने की जरूरत है। ये क्या बड़ा वाले पोपट है ब्लू है ब्लू ग्रीन है भाई पीछे देख लिखा हुआ है मालूम पड़ा क्या पोपट कैसा हम लोग का अल्ट्रा लाइट ग्रीन। हाँ ये ग्रीन है ग्रीन है पर्पल है कलर की जगह इन लोगों ने वापस वही लगा दिए ले मतलब क्या सीख कर दिए ले जो पहला लगा ले ना ब्लॉन्ड ये तो साउथ अफ्रीका से अभी ना तू वो तो भट्टा दिख रहा है। ब्रावो 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 क्या बोलते हैं शाइन बढ़ गई है ना शाइन बढ़ गई ना एकदम बाल में पहले तो 60 साल वाला दिख रहा था अभी 40 साल वाला दिख रहा है। ये ग्रीन है ये ग्रीन है ये पर्पल है और अभी हाँ अभी लोग को पता भी तो रहेगा कौन सा कलर है है ना अच्छा हो गया चल मामला गलती से अच्छा हो गया भाई लाइट तो हो गया और इन लोग के ऊपर जरा भरोसा नहीं कर सकते। अरे भाई साहब अरे अभी भी तेरे को अकड़ है गलती पहली बार हुई है ना क्योंकि पहली बार कर रहे थैंक यू बोल मेरे को जिसने तेरे को ये मौका दिया है। क्यों दिया रे भाई ये ब्लू है ये पर्पल हाँ दिख रहा वो गाय को दिया भाई गाय को मत देता बेइज्जती करा रहे। अरे तू कॉन्ट्रैक्ट उठाना बाद में हाउ इट्स लुक नीचे से अलग ऊपर से अलग बीच में अलग इसके तो कुछ नहीं मिलाते ना इसके तो कुछ नहीं मिलाते ना तो अभी आधा बाल खराब हो चुका है अभी देखो फिर भी लोग कंफ्यूज है अभी करने का कैसे हाँ अभी यहाँ पर और परेशानी मेरी बढ़ाते जा रही है काम कर भाई सही में बेहोश कर दे एक ही जन करो ना मरीज बना तेरे को मरीज बना दिए ऑपरेशन चालू अरे वहाँ घूम रहे ये भाई तू वो साइड ना लाइट इधर से आ रही ना नहीं लाइट तेरे पास फ्लैश है भाई तू वो साइड उठा आलसी कैमरा में आलसी इलेज पे बढ़िया तू हां याटा तुम अपना फॉइल लेके रेडी अभी भी फॉइल लगाना पड़ेगा तुम लोगों नहीं लगेगा नहीं लगेगा देख उड़ता है यार तो उठता भी नहीं काला कलर करवा दी रे क्या बोला रे काला ये ब्लू है अरे बाप रे तेरे को पहले फिरंगी बना रहे मैच वैच देखने जाने वाले के तू देख भाई कई दिली तो बनना था इसमें पानी नहीं तो नहीं मिलाते ना नहीं भाई कुछ भी नहीं नहीं ये फिर भी ठीक है ये गाढ़ा गाढ़ा हुआ ना बस ऊपर ऊपर तक मत ले जाना वो निकल जाएगा नहीं नहीं ऊपर तक ले नहीं जाना नहीं ना वो पीछे खींचेगा अपन हाँ हाँ नहीं बराबर है बराबर रहने दे भाई बराबर अब तू सीख रही ना जीना बराबर इन लोगों को मौका दिए लो मालूम मैंने पादर खुलने का मैं क्या बोल रहा कलर करने का मौका सीखो कैसा सीख सकते ये लगा के यहाँ तक रखो फिर हेवन खींचेगा एक तेरा ब्रश दोनों साइड से ऐसा कर अब एड़ी ये नहीं बराबर कर दे भाई ओए भाई ये जना खराब कर दे ज्यादा बोलने का नहीं फोकट में काम कर रहे हम लोग फोकट में इतना ही होता है भाभी बाल बाल पकड़ो बाल अरे इससे अच्छा फूड कलर लाता था हरा कलर वो लगा देती तू चुप रे आगे का भाई मेरे को सही भर के लगाने दे पीछे का बस अंदर मत भर के लगा ऊपर का ऐसा हाँ ऊपर ऊपर ही लाइट कलर लगाना चाहिए था हरा और ब्लू एकदम मैचिंग हो दिख रहा ना वो अरे वो ही शेड बना रहे अपन क्या बना रहे शेक शेड भाई को मैं बोला सब सरप्राइज हो रहा है बोले मैं ना इन लोग ने लगा दिए वो मैं बोल रहा है यार इधर पे आधा घंटा होके गया एक बाल ग्रीन नहीं दिख रहा एक बाल ब्लू नहीं दिख रहा रेड नहीं दिख रहा मैं इससे पूछ रहा ये ऐसा क्यों रे तो बोलती हाँ रे भाई ऐसा क्यों मेरे को तू बताना ये क्या बात है कर रहे तुम लोग को नहीं मालूम फिर ना ये बोलती शायद ना शैम्पू से सर धोने के बाद ना कलर आ जाएगा भाभी तो आड़ी से मैंने तो कुछ बोली इतने क्या इससे धोने के बाद कलर आएगा चाहे चल चल ड्यूटी नहीं
जिन बात हुई थी क्या नहीं नहीं, अच्छा भाभी ने बोले थे ना फिटिंग है। यहाँ पे तीन रंग आते हुए भाई, तीन रंग आते हुए जीनत से बोले भार पे को एक कलर पहले उसको कर बराबर। अरे वाह तीन रंग आगे ले भाई। तो ऐसे तो अलग अलग सब कितने पांच रंग चार रंग पांचवा वही है जो गोल्डन लगा हुआ है ना। अरे बापरे, अरे बापरे, ये देखो मैं जीनत को बोल रहा है उसको छुपा मत देना ये चार कलर के बीच में, वो पांचवा कलर दिख के आना मांगता है। अरे बापरे मंगता ना जीनत, एक लाइन छोड़ दे पूरी गोल्डन की। हाँ 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 छोड़ देना गोल्डन, छोड़ देना एक लाइन। अभी देखो ये यहाँ पे तीन कलर हो गए, ब्लू ग्रीन, ये कौन सा कलर है रे? पर्पल। पर्पल अच्छा, अभी तुम गलत कर रहे फिर तुम रेड। तो यहाँ पे चार कलर हो चुके हैं, पांचवा गोल्डन ये ना, तुम यहाँ ग्रीन लगा गोल्डन। अरे वो ब्रश लाता हूँ भाभी मैं, पेंट वाला है ऊपर रखा हुआ है, पेंटिंग ब्रश वो पतला वाला, उससे बड़ा वाला पेंटिंग नहीं भाभी, कलर वाला ऑयल पेंट वाला ब्रश, एक इंच वाला है ना रियाज ऊपर रखा हुआ है, पेंट वाला ब्रश। हाँ वही एक इंच बोलते रहे उसको ही बोलते हैं। मैं पहले समझा, अब मारूंगी ना, मैंने नहीं बोली थी समझा ना, एक मुक्का दूंगी रियाज, रियाज आवाज आती है, रियाज आवाज आती है। अरे डब्बी वाह वाट लगने वाली, तो एकदम शेजवान चटनी लग रहा है मेरे को। देखो कलर अब तो भाई तेरे को सब पहचान जाएगा। नहीं मैं रेड की बात नहीं छोड़ी हूं, ग्रीन लगाने के लिए यहाँ अभी तो हाईलाइट होके आएगा ना बाबा अभी, लेकिन टोपी ओपी नहीं पहनना, इसकी टोपी छुपा देना। तू डेरिंग देखना चाहता भाई की? अभी अभी तो बोल सकता है भाई तेरे पर बाल रंगीन हो गए। अभी कोई सैलून में करने जाता था ना, कोई करके भी नहीं देता था इतना सारा, बोले एक कलर करके दूंगा। नहीं पहले तो बोलते थे फक पागल, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। पागलपंती पागलपंती में भाई अपने को मीटिंग के लिए भी जाने का। तू बोल रहा है स्विट्जरलैंड से है इंटरनेशनल पार्टी, वेस्ट इंडीज से सीधा लैंड हुआ है। देखो क्रीमर लगा था काले वाले काले, वो बोलेगा पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। पागल खाने के ढूंढ रहे क्या कुछ? पागल खाना खोल ले तो जी ना ऐसे अभी तुम लोग पीछे भी करने वाले ना पूरा ऐसे ही ले लेंगे। मैं बोल रही हूँ सूखने के बाद बहुत, फिर भी एक ऐसा लुक आएगा देख लो, ऐसा कुछ लुक आएगा ना। नहीं अभी नहीं बोल रही हूँ, ड्रायर के बाद ही दिखेगा भाई, दिखेगा नहीं मेरा, मेरा भाई नहीं दिखेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आज मेरी तबीयत खराब थी आधा दिन है ना, मेरा ऐसा गया एकदम सुस्त के साथ पड़े पड़े, उठते साथ दवा खा रहा हूँ और परेशान था अपने आप से। ऊपर वाले की तरफ से एक आइडिया है दिमाग में, बोले जा आज कुछ कारस्तानी कर तेरा दिन अच्छा हो जाएगा, तबियत खराब वाला मूड नहीं लगेगा। क्या कहा? सर्दी सर्दी से सर्दी थी मेरे को, यहाँ पर तीन तीन बार सर्द हो दी लो। लेने देखो क्या घान किए ले, नहीं वो निकल जाएगा, दिखा भाई दिखा भाई दिखा, नाक मत दिखा। यहाँ पर मैंने कौन बोला है लोगो? ये तो चिट्टी बन गया, चिट्टी एजिला टिट्टी बोला था ब्राउन छोड़ने के लिए, तो इन्होंने सींग बना दिए, सींग वो छोड़ ले खाली ले, वो तो देख सींग बना दिए ले, बाकी कहीं और छोटी कहीं जगह नहीं मिली। बहुत सी जगह पे है ना गोल्डन गोल्डन दिख रहा है अभी सूखने के बाद, सींग बना दिए ले। चलो ठीक है वांदा नहीं, लेकिन अभी कलर तो आ रहा है, मतलब कलर आने वाला है ऐसा कह सकते है, लेकिन फाइनल लुक कैसा होने वाला है वो तो अल्लाह मालिक है। कुछ तो आएगा ना, तुम लोग को काम पसंद आया रहेगा तो बिंदास कॉन्टेक्ट करें, ऑर्डर दे कलर बचे हैं बहुत सारे, प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें, भाई नंबर पिन कर देना ऐसी सारी चीज। तो लेकिन थक गए बिचारी, काम दिल से की, देखो कितने बिचारे थक गए। ये वाला फाइनल कितना टाइम रखने का है? ये 30 मिनट 30 30। तो अभी टाइम इतना हो गया कि नाश्ता पानी करने का टाइम आ गया है, मैं तो अभी बिरयानी का ऑर्डर करने वाला हूं। 8:15 बज गए हम लोग यहाँ पर 5 बजे से, ठीक है अभी हो गया टाइम जितना टाइम इसको रखने का था ना, देख लो तुम लोग 360 देख लो काम अच्छा है, देखो पीछे का लुक ज्यादा दिखाओ अभी, अच्छा काम ज्यादा दिखाओ, अच्छा काम ज्यादा पहचान नहीं पाओगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस से सर धोने के लिए, नहाने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, जाता हूँ सर धो के आता हूँ, फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशन क्या है मेरा भाई, पहचानने में आएगा वो गोल्डन वाले से तो अच्छा लगने वाला है ऐसा लग रहा है। अभी ऐसे ऐसे में कलर दिख के आ रहा था, लेकिन अपन बाल कुछ अलग तरीके से बनाते, फाइनल लुक क्या होएगा देखते हैं, पहले जाता हूँ दिखाओ कंडीशनर अप्लाई करने का बाकी है भाई।
देखो एकदम सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, बोला था ना एकदम सेम टू सेम, कैसा बोला था। अभी कंडीशनर लगा, अभी कंडीशनर अप्लाई करना है, दो से तीन मिनट रखने का। ये इतना सारा थोड़ी लगाना, मेरे बाल थोड़े से, वो बड़े बाल के लिए रहता है इतना। ले तुम लगाओ ना अच्छे से पूरे बाल में। अच्छे से लगा एकदम बाल में, शाइन आने चाहिए। तो ये कलर निकल चुका है, ये कलर इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी ट्राई होने के बाद में तुम्हारा एक्चुअल लुक आएगा। अभी दो मिनट रुकने का है। ये जो ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन में मोर पीस बना रहा है इधर पे, ये तो एकदम दिल जीत लिया अपना। यही जीना, इसी का ही नाम रख रहे थे ना। हाँ, एक नंबर। लेकिन पीछे से ज्यादा अच्छा फ्रंट आया। आज ये दूसरा मोड़ देखा, पहला मोड़ में देखा था तुम, हम लोग जब गांव जा रहे थे ना ट्रेन पे पटरी पे। ये देखो ये वाला जो सीन है ना, मेरे 990 रुपए जो वसूल हुए, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने लुक से। मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, मेरे अभी और कलर लगता है। लेकिन भाई दाढ़ी इतना लगाने के बाद जो मैं सोचता था घान दिखेगा, हाँ घान नहीं दिख रहा, घान नहीं दिख रहा, सही में मैं खुद खुश हूँ। और बाकी का तो आप लोग खुद जान भी रहे हैं। इधर आओ, मैं दिखाती हूँ। नहीं देखो, मैं बात करूँ, मैं भाभी नजदीक लाओ इधर, ये देखो नहीं, जो लोग यार देखो क्या आई है, सही मजाक नहीं है। देखो भाई को क्या दिख रहा है ना, फॉर्मल में देखते हैं, सिंपल लुक में पसंद करते हैं वो लोगों में, खुद बुरा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो भी लोग ने किए घान मसाला, हाँ उसके हिसाब से अच्छा है। अपने को एक बहुत टाइम से करने रहा था, स्कूल में नहीं कर सकते थे, जॉब पे नहीं कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते थे, वहाँ नहीं कर, बोला आप करूंगा मैं। लेकिन अभी रफ ही लुक रखना, अभी ना? मांग निकाल के रख, मांग इधर का, इधर का दाढ़ी भी कर लू क्या? नहीं भाई भाई, इधर है ना, इधर इधर प्रॉपर लेयर आई है। हाँ, कलर की एक 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 ऐसी लेयर आई है। अभी मैंने बोला था राइट हैंड की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अभी मैं ना इन लोग से पूछता हूँ कि भाई तुम लोग को कैसा लग रहा है, मेहनत तुम्हारी है। फालूदा फालूदा मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोल रही हूँ अपॉइंटमेंट के लिए मैं बहुत फ्री बैठी हूँ, बाल अपने पास स्टॉक भर के है। देखो एकदम स्टॉक जमा करके रख लेते, इधर पे कैसा एकदम प्यार से, ठीक है। टेम्पररी में करूंगा, टेम्पररी अच्छा है। हाँ। एकदम भी सूट होने वाला लुक नहीं है। हाँ। कभी नहीं किए, फर्स्ट टाइम किए। करो, आओ करो। हाँ आओ करो, जिंदगी जिंदगी आओ करो। मैं तो फिर भी देख एक बोलूंगा, एक हफ्ता 10 दिन रखना, फिर चेंज कर। नहीं रे भाई, तूने एक हफ्ता 10 दिन नहीं जीनत पकड़, जरा मेहनत क्यों मैंने, एक हफ्ता 10 दिन ऐसा लू, एक हफ्ते 10 दिन के बाद ऐसा लू, फिर ये ऐसा लू, लुक चेंज होता रहेगा, फिर समझ आया तो बोले हाँ चलो ठीक है ऐसा लू। हैप्पी लगा के दिखा, हैप्पी लगा, हैप्पी लगा, हैप्पी लगा, ऐसा लग रहा है होली खेल के आ रहा है। हैप्पी लगा, कैमरा तो सेक्स रख तू, भाई मैं ऐसी हूँ भाई, खराब कैमरा मैन, कुछ नहीं समझ में आया तो बोले हैरबिन लगा लो भाई, नीचे बैठ के दिखा। गाइस पीछे का देखो, पीछे का देखो यार, सच्ची में भाई मचा रहा है पीछे से भाई, मैदान जलाते आधा। सही यार, सही में भाई, सही भाई, बहुत एक नंबर लग रहा है भाई, तू ये क्लिप देखकर खुश हो जाएगा। मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ है, मतलब बोल रहा कि या तो टकला हो जाओ या तो काले कर लो, मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था, ऐसा कुछ नहीं, जो होगा अपन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अभी ठीक है भाई। अभी ये दाढ़ी निकाल दूंगा ना और अच्छा लगेगा, क्या ये दाढ़ी की वजह से थोड़ा और सेट नहीं हो रहा है, ये दाढ़ी ट्रिम कर दूंगा ना और मजेदार हो जाएगा। चलो आओ गाइस, आओ आओ, फिर यहाँ पर ये वीडियो क्लोज करने का टाइम आता है। हम लोगों की सबकी मेहनत लगी है इधर पे, मेहनत ही मेहनत किया ना रियाज भाई, कैमरामैन बनते ना उठते भी नहीं, एक जगह से उठते भी नहीं। तुम लोग इस तरफ आओ, तुम लोग का एंगल नहीं आ रहा, तुम लोग सामने आओ। रखा उसने, लेकिन देखा ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो फिर गाइस कैसा लगा जरूर बताना, मालूम है पब्लिक को किसको पसंद आएगा, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, है ना। चलो गाइस फिर ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट भरना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो शेयर करना गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब भी निकाल रहा हूँ जाके, चलो गाइस फिर टाटा बाय बाय खुदा हाफिज़।